इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं मिशेल साइलेंसी नाम का एक लड़के को। अब वो अपना साइकिल में स्कूल जा रहा है। वो इटली में रहता है और उनके पास 50 यूरो का एक नोट है और वो उस पैसों से स्कूल में होने वाली पार्टी के लिए एक कॉस्ट्यूम खरीदना चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं वह क्लास में है और वो एक लड़की के पीछे बैठा है और वो उस लड़की को पसंद करता है। तब एक पुलिस अफसर आती है, उसका नाम है जोवाना, और वह क्लास को डिस्टर्ब करती है और वो कोई नहीं है, वह साइलेंसी के माँ है। और वो उस स्कूल से लापता हुए एक लड़के के बारे में पूछताछ करने के लिए आए हैं और वो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करती है कि अगर उस लड़के के बारे में कुछ पता चला तो इन्फॉर्म करने के लिए बोलती है और बाद वो वहां से चली जाती है। बाद में हम देखते हैं कि सिलेंजी के नाक में ब्लीडिंग हो रहा है और वो सीधे बाथरूम की तरह भागता है। तब उस स्कूल का एक परोडी गैंग ने उसको धमकी देती है और उसका सारा पैसा छीन लेते हैं। उसके बाद वो निराश होकर अपना घर वापस चला जाता है और वो अपने द्वारा बचाए गए कुछ पैसे निकालता है और उस पैसे से एक कॉस्ट्यूम खरीदने का फैसला करता है। बाद में वो एक पुरानी दुकान पे चलता है और उससे एक सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम को दिखाने के लिए पूछता है। तब वो दुकानदार ने उसे एक ड्रेस देता है और बताता है कि ये एक चीनी सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम है, लेकिन उसको ये ड्रेस पसंद नहीं आती है। फिर भी वो पैसे की कमी होने की वजह इस ड्रेस को खरीदता है। बाद में वो घर जाता है। उसके बाद उसका माँ ने काम से घर लौटती है तो वो देखती है कि सिलेंजी ने अपनी नया कॉस्ट्यूम में पार्टी में जाने से इनकार कर रहा है क्योंकि वो सोचता है कि वो बेवकूफ दिखता है। बाद में उसके माँ ने उसे समझाती है कि वो अच्छा दिखता है और उसे पार्टी में भेजती है। उसके बाद वो पार्टी में जाता है और पार्टी में खूब मस्ती करता है और बहुत एंजॉय करता है। यहाँ तक वो अपने क्रश स्टेला से पहली बार बात करता है। तब वो स्कूल की गुंडे गैंग आते हैं और स्टेला का सड़क पर चलते हुए एक वीडियो चलाते हैं और बताते हैं कि वीडियो सिलेंजी के फोन पर पाया गया था और वह स्टेला का पीछा कर रहा था। तब मिशेल ने शर्मिंदा होकर सीधा बाथरूम में भाग जाता है और बाद में उसके सभी दोस्तों ने बाहर से दरवाजा खटखटाते हैं और उसे दरवाजा खोलने के लिए बोलते हैं। तब वो इतना निराश है कि वो चाहता है कि लाइट ऑफ होने से ठीक पहले वो इनविजिबल हो। अगले सीन में हम देखते हैं वो बाथरूम की खिड़की से बाहर कूदते हुए देखते हैं और वो घर वापस जाते हैं। अगली सुबह सिलेंजी ने अपने कुत्ते के भौंकने के लिए उठता है और वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सीधा ब्रश करने के लिए बाथरूम जाता है। जब वो आईने में देखता है तब वो शॉक हो जाता है कि और वहां सिर्फ अपना कपड़ा और ब्रश दिख रहा है, उसका बॉडी पूरा इनविजिबल है। और बाद में वो जल्दी से जल्दी अपना कपड़ा उतार देता और देखता है अब वो पूरा इनविजिबल है। बाद में उसका माँ अंदर आती है और लड़के को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। तब पता चलता है कि केवल सिलेंजी ही खुद को देख सकता है। जब उसकी माँ चारों ओर देखना शुरू करती है तो सिलेंजी जल्दी से एक कागज पर लिखता है कि वह जल्दी स्कूल गया है और उसे बेड पर रख देता है और उस लेटर को पढ़ती है और वाहन से अपना काम पर चलती है। जब उसका माँ कमरे से बाहर निकलने के बाद वह सिलेंजी को कॉल करती है, तब इनविजिबल सिलेंजी उसे उठाता है और उससे कहता है कि वह ठीक है। और इसके बाद वो कन्फ्यूज रहता है कि अब मैं क्या करूँ। और बाद वह एक ड्रेस पहनकर वहां से स्कूल की तरह जाता है और दूर से स्टेला को देखता है और तभी वो स्कूल की एक गैंग को भी देखता है और सोचता है कि इनको कुछ सबक सीखना चाहिए और उसके लिए एक प्लान बनता है। बाद में वो अपने सारे कपड़े उतारता है और स्कूल के अंदर इनविजिबल होकर चलता है। जब क्लास के दौरान वो बुली की पेंट बॉल गन उठाता है और टीचर को उसे मारता है और जिससे टीचर ने बुली को सस्पेंड कर देती है। फिर बाद में वो सीधा लड़की के चेंजिंग रूम में जाता है और उन्हें कपड़े उतारते हुए देखता है। तब अचानक उस पर एक टॉवल गिर जाता है जिससे सभी लड़कियों को पता चलता है कि कोई है अंदर। तभी उसका पाव फीकी पड़ने लगती हैं, जिससे वो सबको फिर से दिखाई देने लगता है। टॉवल के अंदर एक नेकड सिलेंजी को देखकर लड़कियां चिल्लाना शुरू करते हैं। बाद में हम देखते हैं अगले दिन सिलेंजी अपनी क्लास में है और जहां बेसिली नाम का एक साइकोलॉजिस्ट ने टीन्स मेंटल हेल्थ के बारे क्लास दे रहा है क्योंकि पिछले एक महीने में सिलेंजी के दो क्लासमेट घर से भाग गए हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि लड़के के सोचने के तरीके को समझना जरूरी है। जब वह क्लास में थे तभी अचानक से उसके हाथ चमकने लगते हैं और अचानक वे इनविजिबल हो जाते हैं। शुक्र है क्लास उसी समय खत्म हो गई है और वो वहां से भाग जाता है कि अगर कोई देख लिया हो तो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए वो वाहन से भाग जाता है और वो अपना बॉडी को पूरी तरह कवर करके घर जाता है। और जब वो अपना रूम में जाता है तब अपनी छोटी बहन कैंडेला को अपने रूम में देखता है और उसे दीवार का सामना देखते हुए नीचे जाने के लिए कहता है। तब कैंडेला को डाउट आना शुरू होती है और वो सिर्फ दरवाजा खोलती है और बंद करके अंदर ही रह जाती है, लेकिन ये सब सिलेंजी ने ऑब्जर्व नहीं करता है। तब सिलेंजी ने अपना कपड़ा उतरता है। जब वो पीछे मुड़ता है तब इनविजिबल सिलेंजी को देखकर कैंडेला ने डर के मारे चिल्लाती है। तब सिलेंजी ने कैंडेला को शांत करता है और उसे बताता है कि उसकी सुपरमैन ड्रेस ने उसे सुपर पावर दिया है
और उस तरह पुलिस स्टेशन में साइकियाट्रिस्ट बेसिली जियोवाना के साथ मिलकर लापता बच्चों की जांच करने का काम शुरू करता है। तब जियोवाना कहते हैं कि बच्चों का किडनैप कर दिया होगा और दोनों आयु करने लगते हैं। बाद में जियोवाना घर लौटती है, तब भी सिलेंजी इनविजिबल है। तब जियोवाना फोन कॉल आती है और वो बात करते वक्त रिवील करती है कि सिलेंजी को अडॉप्ट किया था, और इस सारे बातों को सिलेंजी ने सुनता है, और ये सुनकर सिलेंजी का दिल टूटता है और वो वहां से सीधा एक पार्क में जाता है। जब वो एक स्विंग पर बैठकर झूल रहा होता है, तब स्टेला वहां पहुंचती है और सोचती है कि सिलेंजी एक भूत है, और वो डरी हुई नहीं लगती और इसके बजाय उसे अपना दोस्त बनने के लिए कहती है, और वो उसके साथ बात करने के लिए रेत पर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाता है। दोनों फिर से मिलने का फैसला करते हैं, और स्टेला के जाने के बाद सिलेंजी ने एक आदमी को देखता है, और वह भी इनविजिबल है, और वो आदमी एक छड़ी का उपयोग करके दूर चला जाता है और लगता है वो ब्लाइंड है। और उसके बाद रात में सिलेंजी ने स्टेला के घर जाता है, और स्टेला एक इनविजिबल दोस्त बनाकर खुश हो रही है, और बाद में स्टेला ने सिलेंजी को दो किस देती है, और तभी सिलेंजी का पावर फीकी पड़ने लगती है और वो अपना चेहरा देखने से पहले वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं स्टेला अपनी जिम्नास्टिक क्लास में अकेली होती है, तब उसे एक सुई से शूट करते हैं, इससे उसकी बूंद बेहोश हो जाती है। और इधर सिलेंजी ने स्टेला को इनविजिबल लड़का होने के बारे में बताने का फैसला किया है, और वो अपने कुत्ते के साथ जिम्नास्टिक क्लास में जाता है। जब वो इमारत में पहुंचता है तो वो देखता है कि एक मास्क पहने हुए आदमी बेहोश स्टेला को ले जा रहा है। तब सिलेंजी ने उस आदमी पर हमला करता है और उसका कुत्ता भी उसका हाथ काटता है। हालांकि वो मास्क आदमी भी इसे लड़ता है और इसको मार के लड़की के साथ भाग जाता है। और बाद में पुलिस वहां पर पहुंचते हैं और उन्हें लगता है कि लापता बच्चे भाग नहीं रहे थे, लेकिन उनका किडनैप कर लिया गया है। अगले सीन में स्टेला जागती है और उसके सिर को कई वायर से कुछ अजीब मशीन पे जोड़ दिया है। वहां साइकियाट्रिस्ट बेसिली दिखता है और स्टेला से पूछताछ करना शुरू करता है, और तब पता चलता है कि वही है जो बच्चों का किडनैप कर रहा है, और वो बच्चों को किडनैप करके कुछ टेस्ट कर रहा होता है। और बाद में उस बच्चों को एक सेल में भेजते हैं, और स्टेला के दो दोस्त जो उससे पहले लापता हो गए थे वो भी वही हैं। अगले दिन हम देखते हैं सिलेंजी ने बीच में अकेला है, तब अचानक एक आदमी दिखता है जो पहले सिलेंजी ने देखा था, और वो आदमी इनके पास आता है और इनका मन में जो सवाल है सबको उस आदमी ने जवाब देना शुरू करता है बिना सवाल पूछे, और ऐसा लगता है जैसे वो मन पढ़ सकता है। और जब सिलेंजी ने उससे पूछा कि वो कौन है, तो वो आदमी बताता है कि उसका नाम एंड्रेज है और वो सिलेंजी का पिता है। तब सिलेंजी ने उसके बातों पर विश्वास नहीं करता है और उसे झूठ नहीं बोलने को कहता है। तब एंड्रेज ने अपनी कहानी बताना शुरू करते हैं, और वो रूस के एक छोटे से शहर से एक सामान्य व्यक्ति हुआ करता था, जब तक कि शहर में एक विनाशकारी परमाणु विस्फोट नहीं हुआ था, और विकिरण ने बहुत से लोगों को मार डाला था, और वह सारे लोग वहां से जान पड़ा, और इसकी वजह से उनका डीएनए म्यूटेट होना शुरू हुआ था, और जिससे उन्हें उड़ान, टेलीपैथी, इनविजिबल होने जैसी सुपर पावर मिली है, और इस तरह की लोगों को स्पेशल्स कहा जाता है, और इन लोगों को एक मिलिट्री डिवीजन में लाया जाता है जिसे डिवीजन कहा जाता है, और जिसे हथियारों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और उस डिवीजन ने उन्हें उनकी क्षमता पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं, और जूस स्पेशल्स ने जितनी ज्यादा पावर का उपयोग करता है वो उतने ही कमजोर होते हैं। एक और साइड इफेक्ट ये है कि उन लोगों को बच्चे नहीं होते हैं, सिर्फ एंड्रेज और सिलेंजी की माँ को छोड़कर, और दोनों ने सिलेंजी को जन्म दिया था और जो पहली स्पेशल किड थी, लेकिन जैसे ही वो पैदा हुआ वो उसे ले जाना चाहते थे, इसलिए माता पिता ने सिलेंजी के साथ भागने का फैसला किया और सफल रहे, लेकिन वो डिवीजन के लोग उनको छोड़ेंगे नहीं और उस बच्चे के पीछे पड़े हैं और उस बच्चे को वापस लेना चाहते हैं। और एंड्रेज ने ये बताता है कि उनको लोगों के मन को पढ़ने की शक्ति थी और सिलेंजी की माँ को इनविजिबल होने की शक्ति थी, और एंड्रेज ने सिलेंजी के साथ भागने में सफल रहे, लेकिन उनकी पत्नी को डिवीजन के लोगों ने मार दिया गया, और एंड्रेज जानता था कि सिलेंजी उसके साथ सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसने जियोवाना के मन पढ़कर वो सिलेंजी को जियोवाना के घर के दरवाजे पर रख दिया था। और अब डिवीजन के लोगों को पता चला है कि स्पेशल बच्चा इसी शहर में रहता है, और इसलिए वो बच्चों का किडनैप कर रहे हैं और उन बच्चों का डीएनए टेस्ट करके देख रहा है। और अपने असली मूल को सुनकर सिलेंजी हैरान रह जाता है, और बाद में वो मानता है कि ये सच है, लेकिन एंड्रेज तब कहता है कि हमें ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि एक फिशरमैन ने सिलेंजी के ऊपर शक करके पुलिस को कॉल कर दिया है। और बाद में एंड्रेज ने सिलेंजी को एक सूट देता है जो सिलेंजी के साथ वह भी इनविजिबल हो जाती है, और वह फिशरमैन की मेमोरी को हटा देता है और वहां से चला जाता है। और कुछ ही देर में पुलिस और उसके साथ बासिली ने सिलेंजी के पास आते हैं, और जियोवाना ने उसे बताती है कि सिलेंजी को अडॉप्ट किए थे, और जिससे बेसिली को विश्वास हो जाता है कि वह स्पेशल बच्चा वही हो सकता है।
और वह सिलेंजी को घर ले जाने को कहता है। जब वो घर पहुंचते हैं तो सिलेंजी ने बेसिली के हाथ की चोट को नोटिस करता है और जो ठीक उसी जगह पर है जहां उसके कुत्ते ने स्टेला के करते हुए काटा था, और वो उस आदमी को शक की नज़र से देखता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। तब ये पता चलता है कि बेसिली ने सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं और उसका किडनैप करने की प्लान कर रहा है। और बाद में सिलेंजी ने एक कमरे में भाग जाता है और अपना कपड़ा उतार कर इनविजिबल हो जाता है और वहां से भागने में सफल हो जाता है। और जबकि बेसिली उसका पीछा करता है और वो अब सड़कों पर होते हैं, तब सिलेंजी ने अपने धमकाने वाले इवान को अपनी बाइक पर देखता है और वो जाके उसके पीछे बैठता है और उसे जल्दी से दूर जाने के लिए कहता है। और ये देखकर इवान डर जाता है। और बाद में जब वो एक सुरक्षित जगह में पहुंचते हैं तो सिलेंजी खुद को इवान के सामने विजिबल करता है और उसे अपने दोस्तों के किडनैप के बारे में बताता है। और इसी समय स्टेला और उसके दोस्त छत पर वेंटिलेशन देखते हैं और वो एक दूसरे पर चढ़ते हैं और स्टेला बाहर आने में सफल होती है और उस गॉड से बचकर वो एक टावर पर चढ़ जाती है और एक सर्चिंग लाइट तक पहुंच जाती है। और वो सोचती है कि उसकी इनविजिबल फ्रेंड ने उसको ढूंढ रहा है, इसलिए वो उस सर्च लाइट के ऊपर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाती है और उसे आकाश में चमका देती है। और इधर सिलेंजी ने मुस्कुराते हुए चेहरे को देखता है और महसूस करता है कि स्टेला उन्हें इशारा करने की कोशिश कर रही है। और बाद में सिलेंजी और इवान ने उस लाइट को फॉलो करते हैं। जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तब स्टेला को गार्ड ने पकड़ लिया जाता है और इधर इवान अपनी पेंटबॉल गन का उपयोग करके बिजली की कनेक्शन को खराब करता है। तब इनविजिबल सिलेंजी ने अंदर जाता है। तब वो बेसिली और उसके आदमियों को जियोवाना और आंद्रेजी की निगरानी करते हुए देखता है जिन्होंने सिलेंजी की तलाश के लिए हाथ मिलाया है। और वो फिर अंदर जाता है और वो एक बंदूक इस्तेमाल करके एक गार्ड को बाहर निकाल देता है और वो दूसरे गार्ड को सेल खोलने की धमकी देता है जहां स्टेला और उसके दूसरे फ्रेंड्स फंस गए हैं। और उन्हें बाहर निकालने और गार्डों को अंदर फंसाने के बाद सिलेंजी ने खुद को अपने दोस्तों के सामने विजिबल करता है और ये देखकर दूसरे बच्चों ने भागना चाहते हैं, लेकिन स्टेला सिलेंजी को देखकर कहती है कि एक और बड़ा आदमी है, उसको भी हम बचाना चाहिए क्योंकि वो हमें बचाया था। और बाद स्टेला और सिलेंजी ने उसे बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन स्टेला ने सिलेंजी को विलन्स के पास ले जाती है और वो सिलेंजी पर बंदूक तानते हैं। तब स्टेला ने अचानक बेहोश हो जाती है और उसके पीछे बूढ़ा आदमी बात करना शुरू कर देता है। तब पता चलता है कि उसके पास मन को नियंत्रित करने की शक्ति है और वो सिलेंजी को यहाँ लाने के लिए बेसिली और स्टेला को नियंत्रित कर रहा है। और बाद में वो एक पनडुब्बी को नीचे लाता है और उसमें सिलेंजी और स्टेला को डालता है और उसके आदमियों ने दोनों को समुद्र में ले जाते हैं। तभी एंड्रेज और जियोवाना उस जगह पहुंचते हैं और इवान से मिलते हैं। तब इवान ने बताता है कि इमारत को कुछ ही सेकंड में विस्फोट करने के लिए सेट किया गया है। वो जल्दी से दोनों अपहृत बच्चों और बेसिली को अंदर से बचा लेते हैं। तब एंड्रेज ने बेसिली के दिमाग को पढ़ा और महसूस किया कि कोई उसे नियंत्रित कर रहा था और वो सारे उस बिल्डिंग से दूर भाग जाते हैं, जो ठीक बाद टुकड़ों में फट जाता है। इधर पनडुब्बी में मिशेल ने अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति का पता लगाया और उसको बर्बाद करना शुरू कर दिया और अपनी पावर का उपयोग करते हुए वह गार्ड को मार देता है और खुद को और स्टेला को बचाने में सफल होता है। और वो अंत में वापस किनारे पर पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तब सिलेंजी उनके सामने इनविजिबल हो जाता है और अपना पावर सबके सामने दिखता है। और बाद में एंड्रेज ने सिलेंजी से कहता है कि उन्हें सभी की यादों को मिटाना होगा क्योंकि डिवीजन आदमियों ने उन्हें फिर से ढूंढता हुआ आएगा। और सिलेंजी आखिरी बार स्टेला को किस करता है। तब एंड्रेज ने मिशेल से कहते हैं कि वो वापस आ जाएंगे और सभी की यादों को मिटाकर चले जाएंगे। इसके बाद सभी अपने सामान्य जीवन में लौट आते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं रूस की किसी एरिया में सिलेंजी के माँ को देखते हैं, जिसको एंड्रेज ने बताया था वो मर गई है, लेकिन वह केवल एनकाउंटर में घायल हो गई थी और उसने तब डिवीजन को हराया थी और अब इस पर रूल कर रही है। और वास्तव में वो वही थी जिसने उन लोगों को सिलेंजी को वापस लाने के लिए भेजी था। और अंत में एक गार्ड ने उसे बताता है कि हालांकि उन्होंने सिलेंजी को खो दिया है, लेकिन उन्होंने उसकी जुड़वां बहन नताशा को ढूंढ लिया है। और अतीत की एक क्लिप हमें दिखाती है कि एंड्रेज उस दिन दो बच्चों के साथ भाग गए थे और गार्ड सिलेंजी का माँ को बताता है कि नताशा मोरक्को में कहीं है। एक सीक्वल की ओर इशारा करते हुए इस फिल्म खत्म होती है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।